चंद्रमुखी की कहानियाँ। हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नए किस्से के साथ। जी बिल्कुल ठीक सुने हैं आप, बहुत अच्छी लड़कियां हैं, उनका बहुत अच्छा परिवार है। वैसे एक बात कहूँ, बुरा मत मानना जीजी, लोग बोलते हैं कि दो बहनों को एक घर में शादी करके नहीं लाना चाहिए, घर टूट के बिखर जाता है, वो दोनों बहनें कम और जेठानी देवरानी ज्यादा बन जाती हैं, ध्यान रखना। अरे नहीं नहीं, ये तो पुरानी बातें हैं, मुझे यकीन है कि वो दोनों बहनें मेरे घर को हमेशा जोड़ के रखेंगी। जोड़ के? ऐसा कभी हुआ है जो आपके घर में होगा? बहुएं बस अपना सोचती हैं, ससुराल का नहीं। बस यही नहीं, आरती को उसके रिश्तेदार भी इस शादी के लिए टोकने लगे कि दो बहनों को कभी भी एक घर में नहीं लाना चाहिए। पर अब तो शादी पक्की हो गई थी, आरती कैसे मना कर पाती शादी के लिए। अजी सुन रहे हैं, मुझे तो अब तक 4 लोग मना कर चुके हैं कि ज्योति या प्रीति, इन दोनों में से किसी एक को ब्याह करके लाओ, दोनों को हरगिज नहीं। अरे आरती, शादी की बात तो हमने ही छेड़ी थी, अब मना कैसे करें? तुम्हारे दोनों बेटे कौन सा एक साथ खुश हैं जो बहुएं आकर घर तोड़ देंगी? जो होगा देखा जाएगा, अब तुम इतना चिंता मत करो। देखते ही देखते दोनों भाइयों की शादी की दिन आ गई और ज्योति प्रीति दोनों बहनें नई नवेली दुल्हन बनके अपने ससुराल पहुंची। ज्योति प्रीति, तुम दोनों बहनों को इस घर को हमेशा जोड़ के रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए, अलग होने का सोचना भी मत। जी माँ जी, आप जैसे कहेंगी हम वैसे ही करेंगे। मैं तो बचपन से दीदी को ही फॉलो करती आ रही हूँ माँ जी, वो जैसे करती है मैं भी ठीक वैसे ही करती हूँ। कुछ देर बाद ज्योति संतोष के कमरे में और प्रीति आनंद के कमरे में चली गई। सुनिए, आप तो बोल रहे थे कि आपके घर में एसी है, पर इस कमरे में तो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा, इतनी गर्मी हो रही है, मैं कैसे सोऊंगी? ज्योति, एसी तो मैंने लिया था 2 महीने पहले ही, पर आनंद ने झगड़ा करके लिविंग रूम में एसी लगवा दिया। ऐसा क्यों? आप अपने पैसे से लिए थे तो आनंद जी के हिसाब से एसी लिविंग रूम में क्यों लगवाया गया? तुम सब समझ जाओगी धीरे धीरे, याद रखना कि तुम इस घर की बड़ी बहू हो और हमेशा बड़ी बनकर ही रहना, तुम्हें इस घर में काम करने की कोई जरूरत नहीं, रानी बन के रहो, बस अपनी देवरानी से काम करवाओ। एक बात बोलिए आप, मैंने अभी अभी इस कमरे में आने से पहले भैया के कमरे की तरफ नजर डाली तो देखा कि उनका कमरा कितना बड़ा है और इतने अच्छे से सजाया भी गया है, पर हमारा कमरा इतना छोटा और सिंपल सा क्यों? प्रीति, जब हमारा पुराना घर तोड़ के नया घर बन रहा था तब भैया ज्यादा पैसे देकर अपना कमरा बड़ा बनवा लिए और मैं इतना ज्यादा पैसे नहीं दे पाया, फिर मेरा कमरा ऐसे ही रह गया। ऐसा क्यों? आपने क्यों ज्यादा पैसे नहीं दिया? ये सब माँ पापा का ही किया धरा है, भैया को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाए और मेरे पढ़ने के टाइम बोले ज्यादा पैसा नहीं है, इसीलिए मुझे सरकारी स्कूल में डाल दिए। भैया को हायर स्टडीज के बाद अच्छी नौकरी मिली, अच्छी तनख्वाह भी, और मुझे कम सैलरी वाली। वो सब मैं नहीं जानती, आज तक दीदी को जो सब मिला है मुझे भी ठीक वैसे ही सब मिला है, अब दीदी को इतना अच्छा अच्छा नसीब हो रहा है और मुझे मामूली सा, मैं तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। दोनों भाइयों के संबंध में तो दरार था ही, अब दोनों बहनों में भी मन ही मन ऊंच नीच शुरू होने वाला था। फिर अगले दिन सुबह आज तुम दोनों की पहली रसोई है, हमेशा मिल बांट के काम करना और कोई किसी का शिकायत लेके मेरे पास मत आ जाना, आपस में बात करके अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना, ठीक है? जी माँ जी। माँ जी तो गई, प्रीति जा तू सबके लिए चाय बना दे पहले। मैं कब से चाय बनाने लगी दीदी,
चाय तो हमेशा तुम बनाती थी ना घर पे। हाँ तो क्या हुआ, अब तेरी शादी हो गई है, तू अपने ससुराल में जेठानी के पास खड़ी है। ऑर्डर देना बंद करके जल्दी जल्दी काम खत्म कर। ओ ठीक है, अगर बात जेठानी देवरानी तक पहुँच गई है तो मैं तो चाय बना लूंगी, पर तुम भी बाकी का काम करना शुरू कर दो, खाली खाली टहलो मत। फिर ज्योति पूरिया बेलते बेलते बात शुरू की। प्रीति एक बात बता, कल रात को इतनी गर्मी थी, तू कैसे सो गई? हाँ दीदी, सोना तो पड़ेगा ही फैन में मुझे। अब तुम्हारे पति ज्यादा कमाते हैं तो तुम्हारे कमरे में कुछ ही दिनों में एसी लग जाएगा, पर मेरे पति तो कम कमाने वाले हैं, मुझे तो पंखा में ही एडजस्ट करना होगा। बात तो तूने एकदम सही कहा, हमें और एक एसी लेना पड़ेगा। देखना मेरे पति इतने बड़े गधे हैं कि क्या कहूँ, 40,000 का एसी खरीद के लाए और लिविंग रूम में लगवा दिए। दीदी मुझे ऐसे सुना सुना के क्यों बोल रही हो, मैंने कहा था उन्हें एसी हॉल में लगवाने। पर लगाया गया तो तुम सबके लिए ना, मेरे पति अपने से पहले सबका सोचे, पर तेरा पति जो भी कमाता है जेब गरम करता है बस, घर के खर्चे के लिए भी ज्यादा पैसे नहीं देता। दोनों में छोटी छोटी बातों को लेकर बहस शुरू हो गया था और किचन से आवाज बाहर के कमरे तक भी जा रही थी। अरे अरे क्या हो गया तुम दोनों को, क्यों चिल्ला रही हो इतने जोर जोर से? नहीं माँ जी, मैं तो बस दीदी को समझा रही थी कि मेरे पति का इनकम कम है तो माँ जी और पापा जी का सपोर्ट हमें ही मिलना चाहिए। नहीं माँ जी, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, मेरे पति बड़े हैं तो आप सबसे पहले उनका सोचेंगे। सपोर्ट? मेरा सपोर्ट तुम दोनों के लिए है, अब जाओ अपना अपना काम खत्म करो। अरे आरती क्या हो गया, ऐसे मुंह बनाए क्यों बैठी हो, बेटों के बीच फिर से लड़ाई हो गई क्या? बेटों के बीच होता तो इतना ना सोचती, अब तो बहुओं के बीच भी छोटी छोटी बातों पे झगड़ा होने लगा है। इसका हम कुछ नहीं कर सकते, समझाओ उन्हें, नहीं समझ रहे हैं तो अलग हो जाने में ही सबकी भलाई है, आगे ऐसे ही झगड़ा होता रहेगा तो रिलेशन पूरी तरह से बिगड़ जाएगी। और हम बेटे अलग अलग रहने लगेंगे तो हम दोनों कहाँ जाएंगे, किसके साथ रहेंगे? हम हमारे घर पे रहेंगे, यहीं पर, वो दोनों को जहाँ भी जाना है जाएं। प्यार से तो समझा के कोई फायदा नहीं हुआ, फिर डांट के समझाने की कोशिश किया हम दोनों, फिर भी फायदा नहीं, शादी करवा दिए, मगर सुधार नहीं आया उनमें। अब तो बहुओं के मन में भी वो दोनों नफरत भर चुके हैं, फिर हम अब और क्या कर सकेंगे? वो सब मैं समझ रही हूँ, पर अगर बेटे घर छोड़ के चले जाएंगे तो हम दोनों इस बुढ़ापे में गुजारा कैसे करेंगे? तुम उसकी चिंता मत करो, मेरा रिटायरमेंट का फाइनल सेटलमेंट जल्द ही मिल जाएगा मुझे, कम से कम 30-40 लाख तो होगा ही, फिर हम दोनों जब तक जिंदा है तब तक काम चला लेंगे। 30-40 लाख मिलेंगे पापा जी को? अरे वाह, ये पैसे तो मेरे पति को ही मिलना चाहिए, इतना सब करते हैं जो घर के लिए, ऊपर से बड़े बेटे भी हैं। तो ज्योति तुम चाहती हो कि मैं पापा से बात करके उनके रिटायरमेंट के सारे पैसे ले आऊं? हाँ और नहीं तो क्या, कब तक अपनी कमाई से छोटे भाई के परिवार को चलाओगे? उन्हें बोलो अलग कहीं चले जाए रहने, हम माँ पापा का देख लेंगे। पता है प्रीति, पापा को उनके रिटायरमेंट के पैसे इसी साल मिलने वाले थे, मिलते ही मैं उनसे मांग लाऊंगा, उनका बड़ा बेटा इतना कमाता है, बाकी मुझे अपने फ्यूचर के बारे में तो सोचना पड़ेगा ना। बिल्कुल सही सोचा आपने, चलिए कल सुबह होते ही चाय पे बात करते हैं पापा जी के साथ, देर करने से आपके भैया सारे पैसे लेने का प्लान ना बना दे। अगले दिन सुबह होते ही प्रीति झटपट चाय बनाकर पति को साथ में लिए पापा जी के कमरे की तरफ जा रही थी कि तभी, आप मानते हैं ना पापा कि मैंने इस घर के लिए कितना खर्चा किया है, फिर आपके पैसों पे तो मेरा ही हक बनता है। माँ जी आप पापा जी को समझाते क्यों नहीं, अगर आप हमें सारे पैसे दे देंगे तो हम दोनों जिंदगी भर आपका ख्याल रखेंगे और देवर जी को बोलेंगे कि वो अपनी पत्नी को लेकर कहीं अलग चले जाए रहने।
इसके आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। नमस्ते।